अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया है शुरू के अंदर मेरी पहली वीडियो में, तो इंशाल्लाह इम्तिहान तक मैं आपका साथ दूंगा उन स्टूडेंट का जो बीए पार्ट टू में है और ऑनर्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी तरफ से जा रही है। बस आपसे मेरी गुजारिश है, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपको इसका पीडीएफ भी दूंगा अगर आपने खाई जारी किया तो। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं लेकिन वीडियो के अंदर आपका कमेंट नहीं आता। अच्छा ही लिखिए या बुरा लिखिए, कमेंट कीजिए ताकि मालूम होता है कि स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो को देखिए, अगर आपका कमेंट आया और आपने वीडियो को शेयर किया तो इंशाल्लाह मैं आपको तमाम वीडियो दूंगा, पोएट्री और प्रोज का भी दूंगा, यानी कि नजम और नसर करूंगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में वीडियो दूंगा। शर्त यह कि आप ग्रुप ज्वाइन करा लें, ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी साथ में दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ये आपका सबक नंबर 3 है सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सबक नंबर 3 है, आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, 6 चीज पढ़नी है। एक पढ़ना क्या आपको है, मसनवी सरो बयान पढ़ा दिया गया, इरफान जमील आपको पढ़ा दिया गया है, अब आज बालिग जिब्रील पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर आपको सिर्फ 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें देखिए सबक का नाम है, बुक का नाम है बाले जिब्रील, जिसके लिखने वाले हैं जनाब अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शायर नहीं गुजरा है हमारे उम्मत मुस्लिमा में जिनकी किताबें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हो। बहुत अच्छे राइटर हैं और मैं, मेरी खसूसियत है कि ऐसे बहुत से लोग क्वेश्चन देते हैं, मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं आपको जहाँ जहाँ कहूँगा कि क्वेश्चन BBI है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपको निशान दे दूंगा, आप उसको याद जरूर कर लीजिए हर हाल में, ठीक है। आइए सवाल नंबर 1 में है कि अल्लामा इकबाल इस शेर में रूमी और तबरेज किसको कह रहे हैं। न उठा फिर कोई रवि रूमी अजम के लालजारों से, वही आबगुल ईरा वही तबरेज है साकी। पूछ रहा है इस शेर के अंदर अल्लामा इकबाल ने रूमी तबरेज किसको कहा है। आइए देखते हैं, 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। तो 4 विकल्प में पढ़ूंगा तो वक्त लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट कवर में मैं आपको बता दूंगा जवाब, आप उसको पढ़ लीजिएगा, जवाब भी पढ़कर दिखाऊंगा। सही जवाब आपका ए का डी है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हजरत शम्स तबरेज से तालु रखते हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि इस शेर में अल्लामा इकबाल ने हरफ शेरी का ताल्लुक किसके साथ जोड़ा है। जो नीचे वाला शेर आ रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िएगा, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हरफ शेरी तर्जमान तेरा है या मेरा। इसके बारे में पूछ रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने इस शेर में हरफ शेरी का ताल्लुक किसके साथ जोड़ा है। देख रहे हैं 4 विकल्प, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब स्टूडेंट क्या होगा, देखिए सही जवाब उसका आपका ए होगा। क्या होगा, एक बार हरफ शेरी अल्लाह के बंदों का जोड़ा है, अल्लाह के बंदों का है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, इस शेर में अल्लामा इकबाल किसको कह रहे हैं कि मैं अब मेरा इंतजार कर। जो नीचे जो है शेर है, बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। इस शेर के अंदर, इस मिसरा के अंदर शायर ने किसको कह रहा है कि मैं इंतजार करने के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा बी, खुदा ताला कह रहे हैं, खुदा ताला कह रहे हैं, इसको देखिए, खुदा ताला कह रहे हैं कि कार्य जहां से आदमी को फुर्सत नहीं है अब मेरा इंतजार करना होगा, अब मेरा इंतजार करना होगा जी स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही होगा। सिर्फ आपको सवाल को दिमाग में रखना है कि सवाल क्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखते हैं सवाल नंबर 4 में, दर्जैल शेर में हैदर किसको कहा गया है। दर्जैल शेर में हैदर किसे क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि जिसे नाने जवे जुए बख्शी है तूने, उसे बाज हुए हैदर भी अता की है। किसको हैदर कहा गया है, अबू बकर को, दाऊद अलैहिस्सलाम को, हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, मूसा अलैहिस्सलाम को, हैदर किसे कहा गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा जानते हैं, जवाब इसका सी होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल BBI है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जिसे नाने जो जुए बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर, ये किसे कहा गया है, हैदर अली को कहा गया है। सवाल नंबर देखते हैं 5 में,
जजान शेर के हवाले से बताइए कि आदाब फर्जंदी किसने सिखाया। ये भी क्वेश्चन बहुत आपके लिए भी आई है, ठीक है। ये फैजान नगर था कि मकतब की करामत थी, ये फैजान नगर था कि मकतब की करामत थी, सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आदाब फर्जंदी पूछ रहे हैं, शेर के हवाले से बताइए कि आदाब फर्जंदी किसने सिखाए। विकल्प देख रहे हैं ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा आपका डी, अल्लाह जल्ल शानहु ने इसको सिखाया था, ठीक है। किसको? इस्माइल सलाम ने जो ताबेदारी किया था अपने बाप इस्माइल की, इब्राहिम की। वो पूछ रहा है कि इतना अदब ताजिम एहतराम करना किसने सिखाया था। सही जवाब है अल्लाह ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, दर्जैल शेर में दूसरा फारसी का मिसरा किसका है। वाह, दर्जैल शेर में दूसरा फारसी का मिसरा किसका है। नेदा आई के आशोब क्यामत से ये क्या कम है, गिरफ्तार चीना एहराम मक्की खुफ्ता दरबतहा। पूछ रहा है इस शेर के अंदर दूसरा फारसी शेर किस शायर का है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब एक होगा, यानी ए होगा, हकीम सनाई का। ये फारसी का शेर का एक मिसरा एक टुकड़ा है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, दर्जैल शेर में साहबे लौलाक किसको कहा गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए भी आई है, इम्तिहान में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दर्जैल शेर में साहबे लौलाक किसको कहा गया है। आलम है फकत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहबे लौलाक नहीं, जो साहबे लौलाक नहीं, तो साहबे लौलाक से मुराद कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बिल्कुल होगा आपका बी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबे लौलाक कहा गया है, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, दर्जैल शेर में मजजूब फरंगी से क्या मुराद है। मौजूद मजजूब फरंगी से क्या मुराद है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी आई है, ठीक है। वो क्या है कि अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझता मकाम किबरिया क्या है। पूछ रहा है फरंगी से मुराद कौन है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आपका डी होगा, जर्मनी के मशहूर मजजूब फलसफी निश्चिया को कहा गया है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 9 में, दर्जैल शेर में नगमे खुसरू से क्या मुराद है। दर्जैल शेर में नगमे खुसरू से क्या मुराद है। सवाल को दोबारा पढ़ूंगा और जवाब को भी दोबारा पढ़ूंगा ताकि जहन में आपकी बात बैठ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब का बी होगा, क्या है, अमीर खुसरू की शायरी। अमीर खुसरू की शायरी, हजरत अमीर खुसरू की शायरी, फिर सुनिए। रहे न एक रहना ऐबक व गोरी के मार के, बाकी हमेशा ताज़ा व श्री है नगमे खुसरू। जो लड़ाई हुई थी पहले के ऐबक है, गोरी है, मोहम्मद गोरी है, इनके बारे में मार के तो लड़ाई होता है, तो उनकी जो लड़ाइयाँ हुई है उसके अंदर पूछ रहा है शायर है कि खुसरू से क्या मुराद है, तो खुसरू मुराद है अमीर खुसरू की शायरी मुराद है। सवाल नंबर 10 देखते हैं, दर्जैल शेर में सलमान से कौन मुराद है। आपके लिए बहुत करामत क्वेश्चन है, दर्जैल शेर में सलमान से कौन मुराद है। है याद मुझे नुकते सलमान खुश आहंग, दुनिया नहीं मर्दान जफाकश के लिए जंग। पूछ रहा है कि कौन इससे मुराद है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 का सही जवाब होगा आपका सी होगा, मसूद साद सलमान गजनवी के दौर का ईरानी शायर इससे मुराद है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 11 में, कि दर्जैल शेर में मकाम शब्बीरी से किस जात की तरफ इशारा है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्जैल शेर में मकाम शब्बीरी से किस जात की तरफ इशारा है। लिखा है हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी व शामी, इसे मुराद कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ए, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, कि दर्जैल शेर में दर्जैल शेर में किसकी तरफ इशारा किया गया। ये क्वेश्चन बताइएगा, खुदी हो इल्म से महकम तो गैरत जिब्रील, अगर हो इश्क से महकम तो सूरह इसराफील। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा आपका डी, क्या होगा डी, सूर्य इसराफील के मुराद हौलनाक आवाज है जो क्यामत बरपा के वक्त में फूकी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, दर्जैल शेर में खुदी किस वस्फ की अलामत है।
खुदी किस वस्फ की अलामत है? कली क्या है? खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, बहुत अच्छा लाजवाब याद कीजिए उसको, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सुभान अल्लाह, क्या शेर है। तो पूरा शैल में खुदी किस वस्फ की अलामत है, ये आपके बहुत बीबी आई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब का बी होगा, खुलूस व तकवा रजा इलाही से मुराद है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 15 में, अल्लामा इकबाल को किस लकब से याद किया जाता है? चूंकि अल्लामा इकबाल के चैप्टर है, यहाँ जितने क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल बीबीआई होंगे, आपको ध्यान से याद करना होगा इसको। जितने आएंगे आप क्वेश्चन, यानी कि 15 से लेकर नीचे तक तमाम क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बीबीआई है, आपको याद करना होगा। अल्लामा इकबाल को किस लकब से याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपको क्या होगा, अगर आप जानते हो पहले से तो कमेंट में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब बी होगा, शायर मशरिक, शायर मशरिक से याद किया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 16 में है कि अल्लामा इकबाल के रवायती तालीम के असातिज़ा में किस मशहूर आलिम का नाम लिया जाता है? जो उनकी इब्तदाई और रवायती उस्ताद हैं वो किन का नाम लिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा श्री सैयद हसन साहब का, सैयद हसन साहब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर देखते हैं 17 में, इनमें से कौन शायरी में अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे? जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत बीबी आई है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, इनमें से कौन शायरी में अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे? दाग दहलवी, गालिब, अकबर इलाहाबादी, सफी सूफी लखनवी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ए है, कौन है? दाग दहलवी है। कौन है? दाग दहलवी है। 17 का दाग दहलवी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में एमए किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में एमए किया, मजमून मीन किस सब्जेक्ट में, कौन सा विषय उनके लिए अच्छा था, उनमें एमए किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब का डी है, फलसफा के अंदर उन्होंने एमए किया था। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन 19 में, सिर्फ आपको 27 क्वेश्चन दिए गए इसमें से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? ये क्वेश्चन तमाम क्वेश्चनों में सबसे बीबीआई क्वेश्चन है, हर साल के इम्तिहान में क्वेश्चन ऑल एग्जाम के अंदर, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, बी हो, एम हो, सब में ये क्वेश्चन आते हैं कि अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम है। क्वेश्चन 19 का सही जवाब होगा आपका सी होगा, शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद। ठीक है, देखते हैं साल नंबर 20 में, अल्लामा इकबाल ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी की? अल्लामा इकबाल ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी की? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा आपका ए, फारसी में। इसी कैटेगरी में आते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब भी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 21 में, अल्लामा इकबाल के आबा व अजदाद किस नस्ल से ताल्लुक रखते थे? अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से जितने क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको आप नोट कर लेना, याद कर लेना, और आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में किस नस्ल में थे? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपको मिलेगा सी, कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। देखते हैं सवाल नंबर 22 में कि किस अंग्रेज प्रोफेसर से अल्लामा इकबाल को शर्फे तलमुज हासिल था? शर्फे तलमुज पूछता है किससे उन्हें पढ़ाई की है, किससे उन्हें सीखा है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब मिलेगा आपको ए, प्रोफेसर आर्नल्ड। ठीक है, आर्नल्ड से उन्हें क्या था, शर्फ तलमुज, यानी उनसे कुछ सीखा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, बाले जिब्रील के मुसन्निफ कौन है? जो शुरू बताया गया, इसमें तो कोई पूछना ही नहीं है, इसके बिल्कुल जवाब सही है बी, अल्लामा इकबाल साहब है, जो बाले जिब्रील लिखे हैं, बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, सब उनकी किताबें हैं, बहुत मशहूर मशहूर। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, दरजैल में से कौन इकबाल की फारसी तसनीफ है? फारसी तसनीफ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा आपका डी होगा, पयामे मशरिक, ये फारसी तस्नीफ उनकी है, यानी फारसी में लिखी हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, दरजैल में से कौन इकबाल की उर्दू शायरी का मजमू है? वहां फारसी हो गया आपका, यहां पर उर्दू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा आपका सी, जरबे कलीम, जरबे कलीम। जी स्टूडेंट, पयामे मशरिक फारसी में और जरबे कलीम क्या है आपको उर्दू में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, दरजैल में से कौन सी तस्नीफ इकबाल की है जिसमें उर्दू फारसी दोनों कलाम मौजूद है? उर्दू फारसी दोनों है पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में का जवाब होगा आपका ए, अरमगाने हजाज, अरमगाने
हजास, जो कि इसमें उर्दू भी है और फारसी भी है। ठीक है, अब देखते हैं 16-27 जो आज के इस चैप्टर का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट, आप जितने स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करोगे, जितने बच्चे ज्यादा होंगे बगैर पैसे के फ्री में, तो ग्रुप में बच्चे ज्यादा होंगे इंशाल्लाह, मैं शौक से आपको बिल्कुल बगैर पैसे के फी, बगैर फी के मैं आपको पूरे चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको पढ़ाएंगे हम, काफी आपको फायदा होगा। तो अल्लामा इकबाल की शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया गया, यानी कितने हिस्सों में बांटा गया है? सही जवाब है 3 अदवार। अदवार कहते हैं दौर, किन किन दौर में उन्होंने किया है, तो 3 अदवार में। अदवार क्या है? ये दौर की जमा है, दौर मना होता है जमाना, कितने जमाने में बांटा गया है, तो 3 दौर में। ठीक है, फिर मिलता हूँ, फिर आपसे कहते हुए कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे नजर आएगा, शेयर कीजिएगा, फायदा होगा मुझे भी और आपको भी, और कमेंट में लिखिएगा अच्छा लगे बुरा लगा, और ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको PDF इंशाल्लाह पूरे देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सबका। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।